नमस्कार, भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। कल जो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया था हमारे पास बंगाल की खाड़ी के ऊपर, वो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया आज एक डिप्रेशन, एक अवदाब में तब्दील हो गया। और ये डिप्रेशन आज प्रातःकाल 8:30 बजे एक इंटेंसिफाई हुआ और अब इसके अगले 24 घंटे में लगभग उत्तरी दिशा में गति करते हुए एक गहन अवदाब डीप डिप्रेशन में तब्दील होने की संभावना है पश्चिमोत्तर बंगाल की खाड़ी पर। और उसके पश्चात कल दोपहर के आसपास ये एक डीप डिप्रेशन के रूप में उड़ीसा के पुरी और पश्चिम बंगाल के दीघा के बीच में लैंडफॉल करेगा, अर्थात जमीन पर जाकर इसका केंद्र देखे जाने में आएगा। और इसके फलस्वरूप जैसा कि हम देख सकते हैं कि अगले 2 दिन जो वेरी हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का जो जोन होने वाला है, वो आज यदि हम देखें तो उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिणी उड़ीसा और साथ ही साथ दक्षिणी छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के पूर्वी हिस्से, और कल जैसा कि यदि हम देखें तो कल पूरा उड़ीसा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जिले और साथ ही साथ तेलंगाना के भी कुछ जिले वेरी हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी जोन में आने वाले हैं। अब यदि हम इस पर विस्तार से निगाह डालना चाहें, और उसके पहले हम देखना चाहेंगे कि क्या रहा आज का मौसम। पिछले 24 घंटे के दौरान अत्यंत भारी वर्षा दर्ज की गई तेलंगाना के महबूबाबाद जिले पर, और ये अत्यंत भारी वर्षा हमें अति भारी वर्षा हमें तेलंगाना पर दर्ज हुई, और साथ ही साथ हमें आंध्र प्रदेश पर भी ये अति भारी वर्षा देखने में आई, और उड़ीसा पर भी कुछ एक स्थानों पर अति भारी वर्षा दर्ज की गई है। और इसके पश्चात आज अगले 2 दिन जैसा कि हमने देखा कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश मुख्य केंद्र रहेंगे अति भारी से अत्यंत भारी वर्षा के। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि आज हमारा ऑरेंज और रेड कलर जोन छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना और साथ ही साथ तटीय आंध्र प्रदेश, विशेषतः उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश है। और कल जो ये जोन होगा वो उसमें शामिल हो जाएगा पूर्वी मध्य प्रदेश भी, और साथ ही साथ जो ये रेड कलर जोन में उड़ीसा भी आ जाएगा, जो कि आज केवल ऑरेंज कलर जोन में है। और परसों अर्थात 10 तारीख को भी जब ये लैंडफॉल सिस्टम 9 तारीख को कर जाएगा, उसके पश्चात ये एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया फिर एक लो प्रेशर एरिया में तब्दील होगा, और जो ऑरेंज कलर जोन केवल देखा जाने में यहाँ आ रहा है वो झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश पर होगा। और फिर ये स्थिति 11 तारीख को पश्चिम मध्य प्रदेश और उससे संलग्न पूर्वी राजस्थान के जिले अति भारी वर्षा के जोन में आएंगे, और 12 तारीख को पूर्वी राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश अति भारी वर्षा के जोन में रहेंगे। उसके पश्चात 13 तारीख को भी पूर्वी राजस्थान पर अति भारी वर्षा का जोन, वेरी हैवी रेनफॉल का जोन रहेगा, और इसीलिए यहाँ पर ऑरेंज कलर पर दर्शाया गया। और उसके पश्चात ये सिस्टम काफी कमजोर हो जाएगा और लगभग लेस मार्क होने के कगार पर, समाप्त होने के कगार पर रहेगा, इसलिए केवल हमें 14 तारीख को केवल येलो कलर वार्निंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इस दौरान जैसा कि हम देख सकते हैं कि चूंकि ये एक डिप्रेशन बना हुआ है और मानसून ट्रफ अभी भी उसका जो पूर्वी हिस्सा है, मानसून ट्रफ का जो पूर्वी छोर है वो इस डिप्रेशन के केंद्र से होकर के जा रहा है, तो जो कि अपनी दक्षिणी, अपनी जो सामान्य दशा है उससे काफी दक्षिण दिशा में है, और इसी तरह से जो उत्तरी छोर है मानसून ट्रफ का, जो पश्चिमी छोर है वो भी अपने सामान्य स्थिति के काफी दक्षिण में बीकानेर के आसपास चल रहा है, और अगले 4 से 5 दिनों तक इसी तरह की स्थिति रहेगी। और पूरे जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है यहाँ पर पूर्वी हवाओं का पूरी तरह से यहाँ पर एक तरह का आधिपत्य देखने में आएगा अगले 5 दिनों तक, और इसी कारण से यहाँ पर पूर्वी हवाएं रहेंगी, और इसी कारण हमें प्रायः यहां पर क्लाउडी कंडीशंस, बादल छाए रहेंगे इसमें अगले 4 से 5 दिनों में। और फिर उसके पश्चात यहां पर यहाँ तक कि यहाँ पर जो है भारी वर्षा का भी यहाँ पर जोन हम देख सकते हैं कि 10 तारीख से धीरे धीरे यहाँ पर डेवलप होना शुरू होगा। अभी भी यहाँ पर दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर हम लगातार बादल देख सकते हैं, किंतु अभी वर्षा यहाँ पर भारी वर्षा देखने में नहीं आ रही है, क्योंकि सारा भारी वर्षा का केंद्र वो हमारे पूर्वी और उससे संलग्न जो उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ पर पूरी तरह से केंद्रित है। तो 11 तारीख से हम देख सकते हैं कि किस तरह से पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके पश्चात 12 तारीख को हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर हम छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा देख पाएंगे।
अब यदि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर बात करें कि क्या रहने वाला है जिला वार भारी रेनफॉल का वितरण, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ढेंकानाल, कटक, जगत सिंहपुर, पुरी और खुर्दा पर कल अर्थात 9 तारीख को यहाँ पर अत्यंत भारी वर्षा, 20 सेंटीमीटर से ज्यादा की वर्षा होने के आसार है। और साथ ही साथ केंद्रपाड़ा, जाजपुर, अंगुल, संबलपुर, बारगढ़, बोलंगीर, सोनपुर, बौद्ध, कांधमाल और गंजम पर अति भारी वर्षा, 11 से 20 सेंटीमीटर तक की वर्षा होने के आसार हैं। तो कल का जो रेड जोन होगा वो ढेंकानाल, कटक, खोर्दा, पुरी और जगत सिंहपुर पर होगा। और आज कोई रेड जोन दक्षिणी उड़ीसा पर नहीं है, केवल ऑरेंज जोन है। आज जो अत्यंत अति भारी वर्षा का जो जोन रहेगा वो पूरी गंजम, गजपति, रायगढ़ और कोरापुत और मलकानगिरी पर रहेगा। और परसों जैसे कि ये डिप्रेशन जब उत्तरी छत्तीसगढ़ के आसपास होगा उस समय झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़ और संबलपुर पर अति भारी वर्षा की संभावना रहेगी। उसके पश्चात उड़ीसा वार्निंग से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। और आज यदि हम तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो हम देख सकते हैं कि पार्वतीपुरम और पार्वतीपुरम के साथ श्रीकाकुलम, विजयनगरम और विशाखापत्तनम पर आज रेड कलर वार्निंग है, अर्थात अत्यंत भारी वर्षा का जोन है। और उससे संलग्न जो जिले अल्लूरी, सीताराम राजू, अनकापल्ली और काकीनाडा है यहाँ पर अति भारी वर्षा का जोन है, 1120 सेंटीमीटर वर्षा का जोन है। और नीचे के जो जिले हैं यहाँ पर भारी वर्षा का जोन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कल भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति रहने वाली है, जबकि पार्वतीपुरम और इसके साथ में श्रीकाकुलम और विजयनगरम पर अत्यंत भारी वर्षा का जोन रहेगा, और अल्लूरी, सीताराम राजू, विशाखापत्तनम और अनकापल्ली पर अति भारी वर्षा का जोन रहेगा। और परसों लगभग जो ये तटीय आंध्र प्रदेश है ये भारी वर्षा से, अति भारी और अत्यंत भारी वर्षा से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा, केवल यहाँ पर भारी वर्षा की संभावना इन जिलों पर दिखाई देगी। अब यदि हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना पर जो आसिफाबाद, मंचेरियल, भूपालपल्ली, मुलुगु, कोठागुदेम, महबूबाबाद और खम्मम जिले हैं, यहाँ पर अति भारी वर्षा की, 11 से 20 सेंटीमीटर वर्षा की संभावना आज रहेगी। और कल यहाँ पर अति भारी वर्षा का जोन सिमटते हुए केवल आसिफाबाद और मंचेरियल पर होगा, और बाकी के जो पूर्वी और उत्तरी तेलंगाना के जिले वहां पर केवल भारी वर्षा की संभावना कल रहेगी। तो तेलंगाना इस डिप्रेशन से उतना प्रभावित होने वाला नहीं है, क्योंकि ये डिप्रेशन ऑलमोस्ट नॉर्थवर्ड गति कर रहा है, और उसके पश्चात जब ये लैंडफॉल पुरी के उत्तर में करेगा तो ये फिर वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड गति करना प्रारंभ कर देगा। अब यदि हम समुद्री क्षेत्र की बात करें तो आज पश्चिमोत्तर बंगाल की खाड़ी पर जो इस समय तात्कालिक जो वहां पर विंड ऑब्जर्वेशन है वो ये दर्शा रहे हैं कि वहां पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे गस्टिंग टू 70 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं वहां पर देखने में आ रही हैं। और कल भी कमोबेश ऐसी स्थिति रहेगी, और कल जब इसका लैंडफॉल हो जाएगा इस डिप्रेशन का, एक डीप डिप्रेशन के रूप में, उसके पश्चात इन हवाओं में कल सायंकाल से कमी आएगी, और फिर वहां पर हम देख पाएंगे कि पश्चिमोत्तर और उससे संलग्न मध्य पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर केवल 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे गस्टिंग टू 65 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं देखी जाएंगी 10 सितंबर को। और उसके पश्चात इसमें उत्तरोत्तर और कमी आते हुए फिर हम देखेंगे कि पश्चिमोत्तर बंगाल की खाड़ी और मध्य बंगाल की खाड़ी पूरी तरह से विंड वार्निंग से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगी। तो इसलिए यहां पर जितने भी मत्स्य आखेटक फिशरमैन है उनसे आग्रह किया जाता है कि इन क्षेत्रों में अगले 3 दिन तक प्रवेश ना करें, क्योंकि यहां पर प्रवेश करना काफी घातक हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे अगले 5 दिनों की मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।